महिला हिरासत में, शादी की खुशियां अफरा तफरी की भेंट चढ़ी। किरतपुर, एक शादीशुदा युवक को उस समय दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया जब उसकी पहली पत्नी पुलिस को लेकर शादी समारोह में जा धमकी। पुलिस ने दूल्हे और उसके रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। इस शादी की गांव में खूब चर्चा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मसीत निवासी वसीम अहमद अपनी बारात लेकर किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चिड़ियापुर पहुंचा। वहां लड़की पक्ष वालों ने बारात की खूब खातिर तवाजे की निकाह की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल था, तभी एक महिला अपनी बहन व रिश्तेदारों के साथ किरतपुर पुलिस को लेकर मौका वारदात पर जा धमकी। महिला का कहना था कि वसीम ने 7 साल पहले मुझसे शादी कर रखी है, उसका 2 साल का एक बच्चा भी है। वह हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम सौतखेड़ी की रहने वाली है। वसीम से उसके अलगाव को लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। उसकी दूसरी बहन उज्मा की शादी वसीम के भाई सलीम से हुई थी, वह भी अपने मायके में रह रही है। पुलिस दूल्हा बने वसीम को खूब हड़काया और उसके 3 बारातियों सहित जीप में बैठाकर थाने ले गई। दूसरी और वसीम का कहना था कि मैं अपनी पत्नी नगमा से आजिज आ चुका था, इसलिए दूसरी शादी करने यहां आया था। निकाह से पहले ही दूल्हे को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सैकड़ों ग्रामीण लड़की पक्ष के घर पर मौजूद थे। दूसरी ओर चिड़ियापुर निवासी लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं था कि वसीम की पहले शादी हुई भी थी, अगर उन्हें पता होता तो वह वसीम से रिश्ता ना करते। समाचार दिए जाने तक तीनों पक्ष थाने में मौजूद है। बाइट नगमा, मेरा नाम नगमा है और मैं सौतखेड़ी की रहने वाली हूँ। वसीम अहमद से मेरी शादी हुई थी गांव मसीत में, थाना ही पर। मेरे पास एक 2 साल का बच्चा है और मेरा मतलब कि उनसे ऐसे झगड़ा चलिया है और इस झगड़े के बीच वो मतलब यहां शादी करना है आज चिड़ियापुर में। और रहने वाले कहां के हैं वसीम? और रहने वाले मसीत के हैं। अच्छा जी। और मैं ये शादी नहीं होने देना क्योंकि वो मेरे शोहर है। बच्चा कितने साल का? 2 साल का बच्चा। 2 साल का बच्चा। कोर्ट में केस कब डाला था? 1 साल पहले डाला था, वहाँ लॉकडाउन है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं है और उन्होंने मार पीट करके भी, बेदखल करके भी हमें घर से निकाल दिया था। आपने कहीं शिकायत की? जी की, मैंने हेमपुर भी शिकायत की है और मैंने SP साहब के यहाँ भी शिकायत की, 1076 पे भी शिकायत की। और मैं किरतपुर थाने भी गई, हल्दौर थाने भी गई, मैं हर जगह गई हूँ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इंसाफ लेकर आऊँ। सही बात।